हर हर महादेव दोस्तों, आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि कल हम सब ने किया था, अरेबियन सी में अरब सागर में जो भी नदियां गिरती हैं उनके बारे में, तो आज हम करेंगे बे ऑफ बंगाल में जितनी भी नदियां करती हैं गिरती हैं, ये सब हम जानेंगे एक ट्रिक के थ्रू। जैसे कि हमने वहां समान था ट्रिक जाना था अरब सागर के लिए, तो यहाँ अरेबियन बे ऑफ बंगाल के लिए क्या ट्रिक है? तो बे ऑफ बंगाल के लिए आपको ये ट्रिक याद रखना है, ब्रह्मा की गोद में गंगा। तो ब्रह्मा से आ गया ब्रह्मपुत्र रिवर, की से आ गया कावेरी कृष्णा, गोद से आ गया गोदावरी, मे से आ गया महानदी और गंगा। यानी कि ब्रह्मपुत्र, कावेरी कृष्णा, गोदावरी, महानदी, गंगा, ये रिवर्स हैं। ये कहाँ गिरती हैं? ये गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में। तो ये एक छोटा सा ट्रिक था। और अब हम दो इम्पोर्टेंट रिवर्स को थोड़ा डिस्कस कर लेंगे और जानेंगे इनके बारे में। ये रिवर है कावेरी और दामोदर। तो कावेरी रिवर जो है, इसका उद्गम कहाँ पे होता है? तो ये 1,341 मीटर की हाइट पे एक ब्रह्मगिरी रेंज है, वहाँ पे एक जगह है कावेरी ताल, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 800 किलोमीटर। और ये कितने एरिया बेसिन को कवर करती है? ये करती है 81,000 स्क्वायर किलोमीटर रिवर बेसिन को, ठीक है। और इसका रिवर बेसिन किस किस राज्य में है? ये है तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और यूटी ऑफ पुडुचेरी। और आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो कावेरी रिवर है, ये पेरेनिमल रिवर है, यानी कि ऐसी रिवर जो कि पूरा साल बहती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो ग्लेशियर, ज़्यादातर हमारे नॉर्थ साइड ग्लेशियर से नदियाँ निकलती हैं, उनको तो पानी ग्लेशियर से मिल जाता है, लेकिन जो साउथ साइड है, इन्हें तो ट्राइब्यूटरी से ही मिलता है। तो यही है एक ऐसी रिवर कावेरी जो पूरा साल बहती है। बाकी रिवर जैसे गर्मी के कारण सूख जाती हैं, तो ये ध्यान रखना है। ट्राइब्यूटरीज, इसकी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज है। ये थोड़ा एक बार नज़र मार लीजिएगा, रंगी, हेमावती, चिमसा, अर्कावती, ये लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज है। और राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज है लक्ष्मी, तीर्था, अबानी, भवानी, नोयल, अमरावती और सुबरानवती। और मेटहू डैम जो है, ये भी कावेरी रिवर में बना है। और यहाँ पे एक फेमस फॉल है, झरना है, जिसका नाम है होगेनेकल फॉल्स, HOGENNEKKAL होगेकन फॉल्स, होगेनेकल फॉल्स। और एक और डैम है यहाँ पे, ये था मेटहू डैम, ऊपर हमने पढ़ा। और एक और डैम है, इसका नाम है ग्रैंड एनिकट डैम, ये चोल किंग ने बनाया था। और ये दो ट्राइब्यूटरीज यानी कावेरी और वेनियार, इन दोनों से बनता है। तो ये था कावेरी के बारे में। अब हम जानते हैं दामोदर रिवर के बारे में। दामोदर रिवर जो है, इसे सोर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, क्योंकि पहले इसमें बहुत फ्लड्स वगैरह आती थी, लेकिन अब तो काफ़ी डैम्स वगैरह बन गए हैं, तो इसे थोड़ा निजात पाई है वहाँ के लोगों ने, तो इसे सोर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है, दामोदर रिवर वो। और इसकी मेन ट्राइब्यूटरीज हैं ब्राकर, हारू, जुमुनिया, घरी, फेरा। और इस पे एक डैम बना हुआ है जिसे दामोदर वैली कॉरपोरेशन द्वारा बनाया है, जिसे कहते हैं रोहर ऑफ इंडिया। ये रोहर जो है एक जर्मनी में जगह है, जहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, तो ये इधर भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है, इसलिए दामोदर वैली कॉरपोरेशन को रोहर ऑफ इंडिया कहते हैं। दोस्तों, ये एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने आपको इसमें सारा थोड़ा थोड़ा सब बता दिया है। बाकी आप प्लीज़ बुक्स को फॉलो कीजिए और अच्छे से अपने रिवर्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। और इस ट्रिक को प्लीज़ याद रखिए, ब्रह्मा की गोद में गंगा, इससे आपको उन रिवर का पता लग जाएगा जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। आशा है आपको ये छोटी सी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू।